कोरबा के ऐतिहासिक इतवारी बाजार में साफ सफाई नहीं होने से सब्जी व्यवसायी और लोगों की बड़ी परेशानी। इतवारी बाजार में निगम द्वारा पौनी पसरा जरूर बनाया गया है, लेकिन चारों तरफ पसरी गंदगी से सब्जी व्यवसायी खासे परेशान हैं। सब्जी दुकान लगाने में उन्हें समस्या हो रही है, वहीं सब्जी खरीदने बाजार पहुंचने वाले ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर वार्ड वासियों का कहना है कि कोरबा का सबसे पुराना बाजार है, लेकिन निगम की अनदेखी के कारण नियमित साफ सफाई नहीं हो रही है। मैं तो ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो अपने का इतवारी बाजार है, इस बाजार का अलग ही महत्व है। कोरबा का ऐतिहासिक बाजार है, सबसे पुराना बाजार है, लेकिन साफ सफाई का बहुत अभाव है। यहाँ पौनी पसरा बन गया, पौनी पसरा कोई बट नहीं रहा है, गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्चा कर बना दिया, अब वहाँ गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। जो भी आता है गंदगी फेंक चला जाता है। यही क्या नहीं है, कई वार्डों में यह समस्या है कि नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। अधिकारी आते हैं, अपने गाड़ी में बैठते हैं, वहां निकल देखते निकल जाते हैं। और इतवारी बाजार ऐसा बाजार है, इसमें गुरुवार शुक्रवार पर डे बाजार लग रहा है, लेकिन गंदगी का बहुत अभाव है, साफ सफाई का अभाव है। और इसमें कम से कम निगम अधिकारियों को या वहाँ के जो पार्षद हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। कोरोना काल समय चल रहा है, दूसरी बात पौनी पसरा को उद्घाटन करा दिया गया और उसमें ध्यान नहीं, अधिकारी वहाँ जाओ जिसको भी आमंडन हुआ है वहाँ बैठाएंगे, कम से कम साफ सफाई भी रहेगा। अभी ये स्थिति है, वहाँ जो भी आ रहा कचरा फेंक चला जाता है, वहाँ लोग बैठे जा रहे हैं और इससे बीमारी खतरा बना हुआ है। कोरोना काल फिर शुरू हो गया है, तीसरा लहर का हाथ शुरू हो गया है। साफ सफाई ध्यान देना चाहिए निगम को और अधिकारियों को, और तत्काल वहाँ साफ सफाई कराना चाहिए। निगम के एल्डरमैन सनत दास दीवान का कहना है कि इतवारी बाजार में निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण गंदगी फैली हुई है। कोरोना काल चल रहा है, निगम आयुक्त से मांग की है इतवारी बाजार पर विशेष ध्यान देकर नियमित साफ सफाई कराई जाए। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय तिवारी पर आरोप लगाया है कि वो जब तक निगम में रहेंगे बाजारों की साफ सफाई नहीं हो सकती। बात ऐसा है, इतवारी बाजार की बात हो या कोरबा बुधवारी बाजार की बात हो, जितने भी इस जिले में साप्ताहिक आम बाजार है, उन सभी आम बाजार में सबसे पहले साफ सफाई, दूसरी पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल निगम को तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि कोरबा इतवारी बाजार हम जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से निर्मित बाजार है और यह बहुत बड़ी व्यापक बाजार है। आज तो कई जगह अलग अलग स्थानों में साप्ताहिक बाजार लगने के कारण इस बाजार की भीड़ भाड़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोरबा इतवारी बाजार इस पूरे क्षेत्र का सबसे प्रमुख बाजार है। यहाँ पर बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है निगम प्रशासन को कि आयुक्त महोदय को खासकर इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और प्रयास क्या, शासन ने पूरी व्यवस्था दे रखी है, तत्काल व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ पर वाटर फिल्टर, कूलर लगाना चाहिए पीने के लिए। इतवारी बाजार में एक भी ऐसा पीने की साधन नहीं है, चाहे व्यापारी हो या कहना चाहिए कि वो बाजार में आने वाले ग्राहक हों, उनके सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बाजार को जो है सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। यहाँ पर साफ सफाई की इतनी अभाव है कि हमने भी निगम को इस बात के लिए बारंबार आगाह किया है, लेकिन यहाँ पर जब तक संजय तिवारी नाम का यहाँ पर जो सफाई अधिकारी है वो जब तक रहेगा तब तक कोरबा की सफाई व्यवस्था दुरुस्त चुस्त नहीं हो सकता। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।